हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम साबूदाने को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप इसे हाथ से ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो ये अच्छे से क्रश हो रहा है, मतलब साबूदाना हमारा फूल के तैयार हो गया है। अब मैंने 5 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं ये, ग्रेटर की सहायता से इन्हें ग्रेट कर लेंगे। मैंने सभी आलू को ग्रेट करके ले लिया है। अब इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, ब्लैक पेपर ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, साबूदाना ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हाथ की सहायता से अच्छे से हम मिला लेंगे। ये हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अगर ये आपका जो पेस्ट है अगर वो थोड़ा ढीला रहता है तो आप इसमें 1 से 2 बॉइल्ड पोटैटो और मिला सकते हैं। अब हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और इससे टिक्की की बनाना शुरू करेंगे। गोल गोल घुमाते हुए टिक्की की शेप देंगे और इसे टिक्की तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम पहले सभी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी टिक्की मैंने बना के तैयार कर ली है। आप टिक्की का साइज अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। ऐसे ही सारी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने 6 टिक्की बना के तैयार की है। हमारे इस सारे पेस्ट से 12 टिक्की बन के तैयार हो जाएंगी। अब मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक तवा रखेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब सभी टिक्की को रख देंगे इसके ऊपर। इन्हें एक तरफ से अच्छे से सिझाने देंगे, उसके बाद ही इसे पलटेंगे। ये लगभग 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसे पलटा है, क्योंकि इसे सिकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे। इन्हें अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हुए सेक लेंगे। इनकी जब ये पककर तैयार हो जाएंगी तो जो साबूदाना है वो कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इन्हें लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगता है पकने के लिए। अब गैस बंद कर देंगे। हमारी टिक्की पक चुकी है, मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इन्हें सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। मैंने साबूदाना टिक्की को हरी चटनी और दही के साथ सर्व किया है।